नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर निकल कर आ रही है सागर से। जी हाँ, सागर में एक बार फिर गोली चलने की खबर से सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया था, लेकिन वो अफवाह निकली। हम आपको बता दें कि पगारा रोड क्षेत्र में विवाद में गोली चलने की सूचना मिली। शहर की नाकाबंदी कर भारी पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। हम आपको बता दें कि ये पूरी घटना जो है पगारा रोड पर 2 सितंबर को हुए पूनम हत्याकांड के बाद सोमवार को एक बार फिर पगारा क्षेत्र में विवाद में गोली चलने की सूचना पुलिस को मिली। खबर लगते ही शहर के सभी थानों की पुलिस शहर की नाकाबंदी कर मौके पर पहुंच गई, लेकिन मौके पर जांच के दौरान कोई भी विवाद या गोली चलने जैसी कोई घटना सामने नहीं आई। अफवाह होने पर पुलिस ने क्षेत्र में जाँच की और लौट आई। हम आपको बता दें कि सोमवार सुबह करीब 11 बजे पगारा रोड पर विवाद में गोली चलने की सूचना पुलिस को मिली थी। खबर मिलते ही शहर के सभी थानों का भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तुरंत शहर की नाकाबंदी कर दी गई। एडिशनल एसपी सिटी विक्रम सिंह कुशवाहा भी मौके पर पहुंच गए थे, जहां जांच करने के बाद पता चला है कि गोली चलने की अफवाह फैलाई गई थी। इधर शहर में गोली चलने की खबर फैलते ही सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया था। मोती नगर थाना प्रभारी नवल आर्या ने बताया कि पगारा रोड पर गोली चलने की सूचना मिली थी। इसमें तुरंत एएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन जांच में सूचना अफवाह निकली। जिले से बाहर का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, संभवतः उसको ही देखकर अफवाह फैलाई गई हो। शहर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, अफवाहों पर लोग ध्यान ना दें, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा है थाना प्रभारी नवल आर्य ने। लेकिन बड़ी शर्मनाक चीज़ है, अगर ऐसी अफवाह फैल रही है तो सोशल मीडिया पर लगाम लगानी होगी और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी जो इस तरीके की अफवाह फैलाते हैं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।